रंजन सिंह, स्वागत करती हूं आपका एसपीएन 9 न्यूज के बेहद ही खास बुलेटिन में। जी हां, इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर, पॉलिटिकल खबर, स्पोर्ट्स जगत की खबर, यहां तक हम आपको दिखाएंगे मनोरंजन जगत की खबर और साथ ही शेयर बाजार की खबरें। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देश भर को हिलाकर रख देने वाले कठुआ गैंग रेप और हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। इसके लिए मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश भी किया गया। खुद को निर्दोष बता रहे आरोपियों में से एक सांची राम ने पेशी के बाद अदालत से निकलते हुए कहा कि नार्को टेस्ट होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि उस आरोपी ने नार्को टेस्ट की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की है। कठुआ कांड जिसने समाज, इंसान और कानून, न्याय सब पर सवाल खड़े कर दिए। कठुआ कांड अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। बता दें, 8 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ पीड़ित बच्ची के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इस याचिका में मांग की गई कि इस केस की सुनवाई जम्मू कश्मीर के बाहर कराई जाए। पीड़िता के इस केस लड़ने वाली वकील दीपिका राजावत ने याचिका में कहा है कि इस केस को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर करके चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाए और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक इस केस को ट्रांसफर ना कर दिया जाए, जब तक इसकी जाँच आगे ना बढ़ाई जाए। पीड़ित परिवार को इस बात का डर है कि जम्मू कश्मीर में इस केस का ट्रायल सही से नहीं हो पाएगा और साथ ही याचिका में कहा गया है कि नेताओं को भी आरोपियों और खासकर नाबालिग आरोपी से ना मिलने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन सुनवाई के पहले दिन केस को अगली तारीख दे दी गई और वहीं सभी आरोपियों का कहना है कि हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, हम इसके लिए तैयार हैं। बता दें, केस की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। भागवत ने ये बयान पालघर जिले के दाहनू में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान दिया। भागवत ने कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर को नहीं तोड़ा है, भारतीय नागरिक कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये विदेशियों ने भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए किया है। राम मंदिर बनेगा, कितने लोग इस नारे को लगाकर यूपी की गद्दी पर राज कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अभी तक बस नारे लगाए गए हैं, राजनीति की गई है, लेकिन मंदिर बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। बता दें, इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है और आए दिन कुछ ना कुछ इस केस के बारे में सुनने को मिलता रहता है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि देश में राम मंदिर बहुत हैं, लेकिन राम की जन्मभूमि एक ही है और वहां पर ही राम मंदिर बनेगा, और अगर राम मंदिर नहीं बना तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएगी। हमें राम मंदिर चाहिए और लोगों ने वहां तोड़फोड़ की, इसको लेकर हमें कोई रोष नहीं है, हम हिंदू हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरह ईसाई धर्म वालियों का पावन स्थल वेटिकन सिटी और मुसलमानों का मक्का मदीना है, उसी तरह हिंदुओं का पावन स्थान भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है, तो राम मंदिर बन के रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन और ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे के पहले चरण में सोमवार शाम को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे। इस दौरान वो 17 अप्रैल को पहले इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड देशों को सामूहिक रूप में नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। इस लिहाज से भारत के लिए ये बड़ा मौका है कि इस क्षेत्र में 5 राष्ट्र प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। इससे पहले ये सम्मान केवल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला था। उनके कार्यकाल के दौरान इस तरह नॉर्डिक देशों के प्रमुखों के साथ अमेरिका नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद इस तरह का आयोजन दूसरी बार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वीडन और ब्रिटेन के 5 दिवसीय दौरे के पहले चरण में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे। इस दौरान वह 17 अप्रैल को पहले इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड देशों को सामूहिक रूप से नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। इस लिहाज से भारत के लिए बड़ा मौका है कि इस क्षेत्र के 5 राष्ट्र प्रमुख के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। इससे पहले यह सम्मान केवल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला था। उनके कार्यकाल के दौरान इस तरह नॉर्डिक देशों के प्रमुखों के साथ अमेरिका नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद इस तरह का आयोजन दूसरी बार हो रहा है। इस तरह का प्रयास इस मायने में भी खास है क्योंकि परंपरागत रूप से भारत यूरोप के देशों के साथ इस तरह की बातचीत के लिए यूरोपीय संघ के मंच का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन इस बार यूरोपीय देशों के साथ बातचीत के लिए भारत पहली बार इस तरह का अभ्यास कर रहा है। इस दौरे
को कूटनीतिक रूप से भारत के बड़े कद के रूप में इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि भारत नैडिक शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव भारत की तरफ से दिया गया था और नैडिक क्षेत्र के सभी देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए टेलीविजन सेट टॉप बॉक्स में एक चिप लगाने का प्रस्ताव दिया है। ये चिप बताएगी कि कौन से चैनल देखे जाएंगे और कितनी बार तक देखे गए हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य हर एक चैनल के लिए दर्शकों के और विश्वसनीय आंकड़े यानी व्यूअरशिप डेटा एकत्र करना है। अधिकारी ने बताया कि इससे विज्ञापनदाता और DAVP अपने विज्ञापनों पर सोच समझकर खर्च कर सकेंगे। केवल उन्हीं चैनलों को प्रचार मिलेगा जिन्हें व्यापक तौर पर देखा जाता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय यानी DAVP विभिन्न मंत्रालय और इसके संगठनों के विज्ञापन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी नए टेलीविजन सेटअप बॉक्स में एक चिप लगाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। इस चिप के जरिए यह पता चल पाएगा कि कौन सा चैनल देखा गया और कितनी देर तक देखा गया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य हर एक चैनल के लिए दर्शकों के और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र। अधिकारी ने बताया इससे विज्ञापनदाता और DAVP अपने विज्ञापनों पर सोच समझ कर खर्च कर सकेंगे। केवल उन्हीं चैनलों को प्रचार मिलेगा जिन्हें व्यापक तौर पर देखा जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय विभिन्न मंत्रालयों और उसके संगठनों के विज्ञापन के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। नए प्रस्ताव में मंत्रालय ने ट्राई से कहा, यह प्रस्ताव यह है कि DTH ऑपरेटरों से नए सेटअप बॉक्स में चिप लगाने के लिए कहा जाएगा। यह चिप देखे जाने वाले चैनलों और उन्हें देखने की अवधि के बारे में आंकड़े देंगी। यह प्रस्ताव नए डायरेक्ट टू होम लाइसेंस संबंधित कई मुद्दों पर ट्राई की ओर से दी गई सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया का हिस्सा था। वोडाफोन और आइडिया अगले 2 महीनों में 5,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। जी हां, अप्रेजल सीजन के दौरान जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस खराब रहेगी उन्हें निकाला जा सकता है। साथ ही एक जॉब प्रोफाइल पर दोनों कंपनियों में काम कर रहे लोगों की भी जॉब जा सकती है। आइडिया में अभी 11,000 और वोडाफोन इंडिया में 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। वोडाफोन और आइडिया सेलुलर का मर्जर भले ही रिलायंस जियो को टक्कर देने के अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन इससे अपने गठजोड़ से ठीक पहले 5,000 कर्मचारियों के बेरोजगार होने के संकेत भी दे दिए हैं। गौरतलब है कि इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों के बीच मर्जर प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी हो सकती है। खबरों की माने तो इन दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद जो नई कंपनी बनेगी उसमें कुछ 21,000 कर्मचारी होंगे, जिनमें से 1/4 को बाहर करने की तैयारी चल रही है और दक्षता में सुधार करने की कोशिश कर रही है। दोनों कंपनियों ने मिलकर फैसला किया है कि अब उन्हें इतने सारे कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। यह बात इस मामले की जानकारी रखते हुए सूत्र ने बताई है कि जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही कंपनियों में संयुक्त रूप से 1,20,000 करोड़ का कर्जा है। इसी को देखते हुए इन दोनों कंपनियों के बीच विलय का प्रबंधन करने वाली नोडल टीम ने यह सलाह दी है कि अगले कुछ महीनों में कम से कम 5,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाए। अब लोग करेंगे शेयर बाजार की खबरों का, किसे हुआ नफा तो किसे हुआ नुकसान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ खुले। कुछ ही सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:30 बजे 62.70 अंकों की गिरी हुई हालत के साथ 34,129.95 पर, और निफ्टी भी लगभग इसी समय में 15.60 अंकों की गिरावट के साथ 10,465.00 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 247.92 अंकों की गिरावट के साथ 33,944.73 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 42.3 अंकों की कमजोरी के साथ 10,186.85 पर खुला। पिछले साल नवंबर के बाद लगातार 7 दिन तक शेयर बाजारों में तेजी रही। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजारों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी। पिछले दिनों अमेरिका द्वारा अपने घरेलू बाजार के लिए संरक्षणवादी रुख अपनाने के बाद 3 की प्रतिक्रिया में आशंका में वैश्विक बाजारों में गिरावट छाने लगी थी।
हाल ही में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और डांसर सपना चौधरी के भाई करण चौधरी की शादी हुई। शादी बेहद रॉयल तरीके से की गई। भाई की शादी में सपना ने अर्शी खान, आकाश जडलानी और महजरबी को भी इनवाइट किया था। भले ही सपना की बिग बॉस में किसी भी कंटेस्टेंट से ना बनी हो, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने सारे गिले शिकवे भुला दिए। सपना ने सभी को भाई की शादी में इनवाइट किया और जो पहुंच सकते थे वो पहुंचे भी। बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही सपना चौधरी के भाई करण चौधरी की शादी शनिवार को ही। जी हाँ, भाई की शादी में सपना ग्लैमरस लुक में नजर आई। साथ ही भाई करण की शादी में सपना ने डार्क पिंक कलर का लहंगा और लाइट ब्लू कलर की ओढ़नी पहन रखी थी और उनकी एक फोटो सामने आई जिसमें वो बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट रही अर्शी खान और महजबी सिद्दीकी के साथ बैठी और आंख मार रही हैं। और तो और, सपना की जो फोटो वायरल हो रही है उसमें वो एक डांस पोज में भी नजर आ रही हैं, यानी कि भाई की शादी में जमकर लगाए होंगे सपना चौधरी ने ठुमके। बता दें आप सभी को कि सपना के भाई की शादी में बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट शामिल हुए। जी हाँ, शादी में अर्शी और महजबी सिद्दीकी गॉर्जियस लुक में नजर आई और आकाश जदलानी सहित अन्य सेलेब शामिल हुए। साथ ही साथ आकाश ने सपना के भाई के साथ फोटोज भी क्लिक किए। जी हाँ, बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट सपना चौधरी फिल्म जर्नी ऑफ भैंगओवर में आइटम नंबर करती नजर आएंगी। सपना फिल्म नानू की जानू से बॉलीवुड में भी एंट्री ले रही हैं और फिल्म में अभय देओल लीड रोल में हैं। फिल्म का डायरेक्शन फराज हैदर कर रहे हैं और ये अप्रैल 2018 में रिलीज होगी। नेक्स्ट नाइन न्यूज रिपोर्ट। एक दक्षिणी भारत की फिल्मों का भगवान माना जाता है तो दूसरा हिंदी सिनेमा का दबंग भाईजान माना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर अब दोनों आते हैं तो कमाई का तूफान मचा देते हैं, लेकिन सोचिए अगर दोनों मुकाबला हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ इस ईद पर होने वाला है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड में यूं तो कई सितारों की टक्कर होती रहती है, वो भी नंबर वन बनने की। ये नंबर वन बनने की होड़ में यहाँ हर कोई लगा हुआ है, तो वहीं हाल ही में यहाँ एक बेहद ही बड़ी टक्कर होने वाली है और वो ये टक्कर किसी और नहीं बल्कि दो सुपरस्टार के बीच है। जी हाँ, ये दो सुपरस्टार हैं सलमान खान और रजनीकांत। इन दोनों की फिल्में आपस में टकराएंगी। बता दें रजनीकांत की आने वाली फिल्म 15 जून को रिलीज होने जा रही है, तो वहीं सलमान खान की रेस 3 भी 15 जून को रिलीज होगी। फैंस का अब ये देखना होगा कि आखिर फैंस इन दोनों में से किसकी फिल्में देखते हैं। बता दें कि पहले रजनीकांत की फिल्म काला 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसे बढ़ाकर अब 15 जून कर दिया। वहीं ये तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। कड़ी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी होगी कि ना जाने ये तूफान क्या असर लाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार आपसे मिलेंगे और कई ताजा तरीन खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।